अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पर जिस महिला की आप तस्वीर देख रहे हैं, गालिबन आप लोग जानते होंगे, जुमा 4 दिन हुए हैं, डिबेट में जाया करती है, इस्लाम के खिलाफ बकवास करती है, दुश्मनाने इस्लाम को खुश करती है, ज्यादा दिलचस्पी लेती है इस्लाम के खिलाफ बोलने में और अपनी बातों से गैरों को खुश करती है। अपने आप को ये मुस्लिम कहती है, दूसरी तरफ इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ बकवास भी करती है। मुझे तो शर्म आ रही है मुस्लिम कहने में। मुस्लिम के नाम पर धब्बा है, कलंक है। अपनी एक वीडियो में ये मनहूस औरत कहती है कि मैं टीका लगा लेती हूँ तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मैं पर्दा ना करूँ तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मैं पढ़ाई भी कर लूँ तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मैं बुरका ना पहनूँ तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मैं बनाव सिंगार मेकअप करके घर से निकलूँ तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। यानी इस्लाम ने औरतों को कैद खाने में रख दिया है, इस्लाम ने औरतों को कैद करके रख दिया है। किसका कहना है? इस मनहूस औरत का। इस जाहिल औरत तक मेरी वीडियो पहुंचा दीजिएगा आप लोग। सुनो मोहतरमा, तुम्हारे टीका लगाने से इस्लाम खतरे में नहीं आएगा, तुम्हारे बेपर्दा रहने से इस्लाम खतरे में नहीं आएगा, तुम्हारे हिजाब बुरका न पहनने से इस्लाम खतरे में नहीं आएगा, तुम्हारे पढ़ाई करने से इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। इस्लाम औरतों को खतरों से बचाता है, इस्लाम औरतों को बुराइयों से बचाता है, इस्लाम लोगों को अच्छी तालीम देता है, इस्लाम लोगों को बुराइयों से बचाता है। इस्लाम कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह खतरे में नहीं था और आज भी इस्लाम खतरे में नहीं है और कयामत तक इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। कश्मीर फैला करके इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया, क्या इस्लाम खतरे में आ गया? केरल स्टोरी ला करके इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया, क्या इस्लाम खतरे में आ गया? बहुत बड़े जालिम हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने चाहा था कि इस्लाम को सफाए हस्ती से मिटा देंगे, तो क्या हुआ? वो खुद मिट गए। क्या इस्लाम खतरे में आ गया? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे कुछ भी करने से, तुम्हारे डांस करने से, नंगे घूमने से, बेपर्दा रहने से, तुम्हारी बेहयाई से, कुछ भी करने से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। इस्लाम औरतों को खतरों से बचाता है। तुम जैसे लोगों की वजह से आज इस्लाम बदनाम है। अपने आप को मुस्लिम कहती हो, मुस्लिम कहना छोड़ दो, डिबेट में जाना छोड़ दो, और अगर इतनी मोहब्बत है गैरों से तुम्हें तो इस्लाम का नाम लेना अपनी जबान से छोड़ दो, गंदगी फैलाना बंद करो। तुम्हारी जैसी मक्कार औरत बहुत आई बहुत गई। तुम जैसों को हम जूती के नोक पर रखते हैं।